हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि कुवैत में एक महीने रहने का खर्चा कितना आता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में लोगों ने लगातार कमेंट किया कि अखलाक भाई वहाँ पर एक महीने रहने का खर्चा कितना आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होती है, आप बता दें, ताकि थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाए कि अगर हमारी सैलरी वहाँ पर, जो कि कुवैत में सैलरी 120 कुवैती दिनार, ये बेसिक सैलरी दोस्तों मिनिमम, अगर आप किसी रेपोटेड या रजिस्टर्ड या इंटरनेशनल कंपनी में आते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इंटरनेशनल ब्रांच है उसमें आते हैं, तो आपको 120 कुवैती दिनार आपकी बेसिक सैलरी होनी तय है दोस्तों। और कुवैत जैसे कि गल्फ़ कंट्री, अरब देश है, मैंने बताया अपनी वीडियो में कि अरब देशों में दोस्तों अगर आप रजिस्टर्ड कंपनी में आएंगे तो यहाँ पर रहना जो है, अकोमोडेशन बोलते हैं, वो कंपनी के द्वारा दिया जाता है, आना जाना ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा दिया जाता है कि कंपनी गाड़ी आके आपको लेके जाती है, और अगर अच्छी कंपनी होती है तो वन टाइम की मील भी खाने की वो दे देती है दोस्तों। तो 120 कुवैती दिनार दोस्तों भारत के 28,500 रुपये 29,000 रुपये के आसपास होते हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर आप किसी भी रेपुटेड कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में, अच्छी रजिस्टर्ड कंपनी में आ रहे हैं तो 120 कुवैती दिनार सिर्फ नाम की सैलरी है दोस्तों, इससे ज़्यादा ही मिलता है। वह कैसे मिलता है दोस्तों, क्योंकि कुवैत में अभी तक जितनी भी मैंने रेपुटेड और अच्छी कंपनियां देखी हैं, हर कोई यहां पर इंसेंटिव वगैरह देता है और ओवरटाइम वगैरह काम में यहां पर दिया जाता है दोस्तों। अगर आप अपने महीने की 4 छुट्टियां नहीं लेते तो भी आप लोगों को दोस्तों उन 4 दिन के पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं। तो जिन लोगों की 120 कुवैती दिनार सैलरी होगी, वो ऑफ़र लेटर लेकर एशिया के देशों से यहाँ आएंगे, वो मान के चलें उनकी सैलरी 120 की जगह 150, 180 या 200 दिनार तक इंक्लूड होके आ सकती है दोस्तों, अगर आप ओवरटाइम करते हैं, इंसेंटिव अच्छा आता है और छुट्टी नहीं लेते हफ्ते की। तो अब आ जाते हैं दोस्तों के खाने का खर्चा कितना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी कुछ लोगों से पूछा जो रेपुटेड कंपनियों में काम कर रहे हैं, कि उन लोगों ने बताया कि अखलाक सर हमें मील कंपनी देती नहीं है, लेकिन वो हमें महीने के 24 दिनार देती है। 24 दिनार दोस्तों तकरीबन 5,300 या 5,400 रुपये हो गए दोस्तों इंडिया के। तो अगर एक रेपुटेड कंपनी खाने के लिए उनको 24 दिनार दे रही है, तो रेपुटेड कंपनी होती है वो पहले सर्वे कर लेती हैं दोस्तों कि किसी को अगर हम 24 दिनार दे रहे हैं तो क्या ये 24 दिनार में एक महीने कुवैत में खा सकता है या नहीं। सर्वे करने के बाद ही तो वह उसको 24 दिनार देंगी, बिना सर्वे के उनको कैसे बताए कि 24 दिनार में एक महीने का खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो एक तो ये मान के चलते हैं कि 24 कुवैती दिनार में एक महीने का खाना हो जाएगा। अब मैं पिछले 2 साल से कुवैत में रह रहा हूँ दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एक होटल में, रेस्टोरेंट में बात करी थी, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि अगर आप मुझे 22 दिनार हर महीने देंगे, 22 कुवैती दिनार, एक कुवैती दिनार अभी 240 से 245 रुपए के बराबर है, और 22 कुवैती दिनार आपके तकरीबन 4,600 या 5,000 के लगभग होंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा, रेस्टोरेंट वालों ने, कि अखलाक आप अगर हमें 22 कुवैती दिनार देंगे तो हम आपको एक महीने तक आप हमारे रेस्टोरेंट में आके लंच और डिनर, यानी कि रात का और दोपहर का खाना वहाँ खा सकते हैं। तो देखो, एक रेपुटेड कंपनी ने 24 कुवैती दिनार बोला देते हैं वो अपने लोगों को खाने के लिए, और एक नॉर्मल रेस्टोरेंट 22 कुवैती दिनार में एक महीने का खाना खिलाता है दोस्तों। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपकी 120 कुवैती दिनार सैलरी है या 150 है तो 22 से 24 दिनार। और एक और अच्छी चीज़ दोस्तों यहाँ है कि मैं यहाँ कुछ दिन पहले, या तकरीबन 4-5 महीने से मैं 4 लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर खाना खाता हूँ दोस्तों, कि हम 4 लोग एक महीने का राशन एक साथ लेके आ जाते हैं, और डे बाय डे कोई एक कुकिंग कर लेता है इवनिंग की, कभी कोई दूसरा कर लेता है कुकिंग। तो जब हमने उसका हिसाब देखा दोस्तों, तो वो एक महीने का खर्चा हमारा दोस्तों वो आया 70 दिनार। 70 दिनार को हमने जब 4 लोगों में दोस्तों डिवाइड किया तो वो तकरीबन आया 17.5 कुवैती दिनार। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कुवैत में अगर आप एक महीने का राशन किसी थोक मार्केट से लेके आते हैं, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मार्केट हैं जहाँ पर एक साथ राशन लेने में डिस्काउंट मिलता है, तो अगर एक साथ आप कहीं से लेके आते हैं सामान कुवैत में और 4 लोगों के साथ मिलकर दोस्तों अगर आप खाना वगैरह खाएंगे, तो आप लोगों को यह 18 दिनार के आसपास बैठेगा दोस्तों। अब इसमें कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन, कुछ वेजिटेरियन, तो अगर आप नॉन वेज एक हफ्ते में 3 से 4 दिन खाते हैं तो 18 दिनार आपके 19 से 21 दिनार हो सकते हैं। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि 18 कुवैती दिनार से लेकर या 25 कुवैती दिनार तक, यानी कि आपके
4,000 रुपये से लेकर 5,500 रुपये इंडिया के बीच में आप एक महीने कुवैत में अच्छे से दोस्तों रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दें, और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी है मेरे को फॉलो करके वहाँ मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बस बहुत सारे दोस्त हो गए हैं, बहुत सारे, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिप्लाई में, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूँ दोस्तों। बस मोटिव ये है कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को दे दूँ, ताकि फ्यूचर में आप जब भी कुवैत में आए तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। बस थैंक यू सो मच दोस्तों।